अभी जो आप गाड़ी देख रहे हैं, जो बाइक देख रहे हैं, ये आज तक लगभग 1.2 करोड़ यूनिट्स बिक चुकी है। और आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक बहुत ही पुरानी लेजेंडरी बाइक का। जी हाँ, आप अभी देख रहे हैं बजाज पल्सर। और इस गाड़ी को 2001 में लॉन्च किया गया था, तो 2001 से लेकर आज 2020 तक भी ये गाड़ी अभी तक चली आ रही है। इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू अभी तक नहीं किया गया है। और आज भी देखेंगे तो इस गाड़ी का जो लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। ये आउटडेटेड या ओल्ड मॉडल नहीं दिखता। आज ही बहुत ही बढ़िया लुक्स इस गाड़ी के दिए गए हैं। सो वेलकम बैक टू दिस चैनल एवरीवन, दिस इज़ प्रकाश महंत एंड यू आर वॉचिंग PM's फोटोग्राफी। तो आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इंडिया की एक लेजेंडरी बाइक का, जिसका नाम है बजाज पल्सर। और इस गाड़ी में आपको दो कलर्स ऑप्शंस मिलेंगे इस मॉडल में। अभी जो आप देख रहे हैं इसमें आपको ब्लैक एंड रेड जो अभी देख रहे हैं ये मिलेगा, और एक मिलेगा ब्लैक एंड ब्लू। तो इस तरह से इसमें आपको सिर्फ दो ही कलर मिलेंगे। और अगर आज का वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें, मैं वहाँ पर भी ऑटोमोबाइल के अपडेट्स देता रहता हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, सर्च करें प्रकाश महंत। और अगर आप हैं रायपुर से और इस वीडियो को देख रहे हैं और लेने का सोच रहे हैं बजाज पल्सर 150 या फिर बजाज के दूसरे प्रोडक्ट्स, तो प्लीज़ विजिट करें वंदना बजाज नियर आश्रम रोड रायपुर। So without wasting any time, let's start the video. चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी में मिलने वाले मॉडल्स की। तो इसमें आपको टोटल दो मॉडल्स मिलते हैं। एक है सिंगल डिस्क वाला, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 94,956 रुपीज़ का। और दूसरा मॉडल है इसका ट्विन डिस्क वाला वेरिएंट, जिसमें कि आपको दो डिस्क ब्रेक मिलेंगे, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 98,835 रुपीज़ का। तो इस गाड़ी में आपको मिलता है 150cc सिंगल सिलेंडर 12 एयर कूल्ड DTSI फ्यूल इंजेक्शन पेट्रोल इंजन, जो कि 13.8 BHP ऑफ पावर एट 8,500 RPM एंड 13.26 न्यूटन मीटर का टॉर्क 6,500 RPM पे जनरेट किया करेगा। और ये मेटेड है 5-speed गियरबॉक्स के साथ। और इसका माइलेज रहने वाला है हाईवे पे लगभग 50-55 किलोमीटर पर लीटर का, और सिटी पे लगभग 40-45 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज आपको इस गाड़ी से देखने को मिल जाएगी। और इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 15 लीटर्स का, जिसमें 3.2 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी रिजर्व रहता है। और इस गाड़ी में आपको सिंगल चैनल ABS मिलती है, और ये गाड़ी BS-6 कंप्लाइंट को फुलफिल करती है। जी हाँ, ये गाड़ी अब आपको BS-6 में मिला करेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कि काफ़ी कम प्रदूषण निकल कर आया करेगा। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के डायमेंशंस की। तो इस गाड़ी का सीट हाइट है 785 mm का, और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का, और इस गाड़ी का वेट है 148 kg का। और यहाँ फ्रंट पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एक एंगरी वाली डिज़ाइन बनाई गई है फ्रंट फेशिया पे। और पार्किंग लैंप्स थे वो, जो आपने अभी देखे, जो एक आइस की तरह दिखते हैं और जलने के बाद कुछ इस तरह से दिखते हैं। टोटल आपको यहाँ पर हैलोजन लैंप मिलेंगे, LED लैंप्स की यहाँ पर यूज़ नहीं करी गई है। आपको इसके LED लैंप सिर्फ टेल लाइट पर दिखेंगे, तो अभी टेल लाइट दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये है इसका टेल लाइट, जो कि LED यूनिट है। काफ़ी अच्छी वाली डिज़ाइन बनाई गई है इसके रियर प्रोफाइल पर भी, काफ़ी बल्कि काफ़ी मस्कुलर दिखती है पल्सर आज भी। तो फ्रंट पर देख सकते हैं बजाज का लोगो है इसके वाइज़र के नीचे। और ये देख सकते हैं फ्रंट सस्पेंशन, जो कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग के साथ बनाई गई है। इसकी फ्रंट हो या फिर रियर सस्पेंशन, दोनों ही काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग के साथ आते हैं। और यहाँ पर स्टिकर मिलता है फ्रंट मडगार्ड पे,
और यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है फ्रंट सस्पेंशन पे, और रेड कलर की यहाँ पर रेडियम भी दी गई है टायर पे, देख सकते हैं, सॉरी इसके अलॉय व्हील में। और इसकी जो टायर की साइज़ है वो है 90x90 R17 इंचेस के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स फ्रंट के। और ये डिस्क ब्रेक देख सकते हैं, फ्रंट पे आपको 260mm की डिस्क ब्रेक मिलती है विद सिंगल चैनल ABS। और यहाँ पर भी देख सकते हैं पल्सर की ब्रांडिंग जो कि 3D ब्रांडिंग है। और ये स्टिकर्स देख सकते हैं फ्यूल टैंक पे, और ये छोटी सी फेयरिंग भी देख सकते हैं फ्यूल टैंक के आगे। जी हाँ, इस पार्ट को फेयरिंग कहा जाता है। और ये DTSI की ब्रांडिंग देख सकते हैं इसके इंजन पे, और बजाज का लोगो भी है। और देख सकते हैं अंडर जो बैली दी गई है यहाँ पर इंजन कवर पे, इंजन काउल भी बोला जाता है और बैली भी बोला जाता है इसे। और इसके साइलेंसर पे यहाँ पर देख सकते हैं एक इंजेक्टर की तरह लगा गया है जो इसका कैटालिटिक कन्वर्टर है, और ये शो करता है कि ये गाड़ी BS-6 कंप्लाइंट है। और एक और बात बता देता हूँ, जो भी गाड़ियाँ BS-6 कंप्लाइंट होगी उनमें आपको फ्यूल इंजेक्शन मिलेगा, और साइलेंसर पे जैसा मैंने अभी दिखाया कुछ उसी तरह का एक जो वायर है वो आपको दिखा करेगा। और ये दो हॉर्न देख सकते हैं, और इसका लेग गार्ड भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनाई गई है। और ये फुट पैक्स देख सकते हैं, और इसका ब्रेक पैडल, और ये मैट फिनिश देख सकते हैं इसके साइड बॉडी पैनल पे। और यहाँ पर भी एक नेट का डिज़ाइन दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी इसमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी दी गई हैं। और ये स्प्लिट सीट देख सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट कुशन सीट है। और एक ग्रैब हैंडल देख सकते हैं, और ये 150 की स्टिकर विथ ग्राफिक्स। और यहाँ पर देख सकते हैं ट्विन गैस फील्ड चार्ज शॉक एब्जॉर्बर, नाइट्रोक्स एब्जॉर्बर कहा जाता है इसे, काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग के साथ आता है, और इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैंने पल्सर चलाई है, मुझे इसका रियर सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया लगता है इस सेगमेंट की दूसरे गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो। और रियर डिस्क ब्रेक देख सकते हैं जो कि 230mm का है, अगर आप सिंगल डिस्क ब्रेक वाली में लेते हैं तो रियर पे आपको 130mm की एक ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगी, और ये सिंगल चैनल ABS के साथ ही आती है। और बात करें रियर टायर की, तो रियर पे आपको 120x90 R17 इंचेस के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स मिलेंगे। और ये इसके एलॉयज पे देख सकते हैं रेड कलर की स्टिकर बनाई गई है जो कि काफ़ी अच्छी लुक बना रही है इसके एलॉय व्हील की। और ये पैसेंजर का फुट पैक देख सकते हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया पैकेज के साथ आती है ये बजाज पल्सर। और ये इसके सारी गार्ड देख सकते हैं, और ये चैन स्प्रॉकेट देख सकते हैं जो कि खुला हुआ है जैसा कि आपको 180 में पहले देखने को मिला करता था। और ये सिंगल गियर पैडल देख सकते हैं, एक शिफ्ट डाउन की ओर और बाकी के चार गियर्स अप शिफ्ट पे दिए गए हैं। और इसके जो गियर शिफ्ट हैं वो भी काफ़ी स्मूथली हो जाते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल टी मिलता था, वो नहीं मिलेगा, फ्यूल इंजेक्शन मिलता है क्योंकि अब आपको, तो इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं आपको। और अब आपको मैं इसका विंग मिरर्स दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं जिनकी साइज़ डिसेंट है। और ये है इस गाड़ी की चाबी, तो दो चाबियाँ मिलती है आपको इसको, तो ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, लेफ्ट साइड पे आपको एनालॉग टैकोमीटर मिलता है, और रेड कलर का जो लाइट है वो मिलता है, RPM लिमिट। और इसमें आपको काफ़ी सारे ज़रूरत के फीचर्स होते हैं जैसे कि डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल फ्यूल गेज, डिजिटल ओडोमीटर, स्टैंड अलार्म, दो ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, इंजन चेक साइन और ABS लाइट, और भी ज़रूरत के काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और ये इंजन किल स्विच देख सकते हैं, और वाइट कलर की एल्यूमिनेशन देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच देती हैं गाड़ी को। ये देख सकते हैं हर जगह जो वाइट कलर की एल्यूमिनेशन लाइट है वो लगाई गई है, और क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं। और ये देख सकते हैं फ्यूल टैंक का जो कैप है वो जो कि सिल्वर कलर में दिया गया है, और बाकी टैंक का कलर ब्लैक है। और ये टैंक पैड भी मिलता है आपको इसमें, और ये देख सकते हैं क्लिप ऑन हैंडल बार्स जो कि काफ़ी अच्छी प्रीमियम फील देते हैं बाइक को। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको बजाज पल्सर 150 लेनी चाहिए या नहीं। तो देखिए, मेरे तरफ से तो हाँ है, मैं होता तो ये बाइक ज़रूर लेता एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। मानता हूँ कि इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में आपको दूसरी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती है, लेकिन अगर आप एक पल्सर प्रेमी हैं, क्योंकि पल्सर बहुत पहले से चली आ रही है, तो मेरे हिसाब से तो ये लेना कोई भी गलत सौदा नहीं है। आपको जितने पैसे लगेंगे उतने फीचर्स भी मिलेंगे। इस गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, आप एक बार चलाकर ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।